हेलो। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक बार फिर एक न्यू वीडियो के साथ। तो अब मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर जवाब ब्लॉगर, एक बार फिर से लेके आया हूँ न्यू वीडियो। तो आई होप सो कि आप लोग मेरे चैनल की वीडियोज़ को लाइक सब्सक्राइब करते होंगे। तो इंशाल्लाह वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो गई ये चेक करें मकई की फसल, इसका रिव्यू थोड़ा बहुत करवाना था। ये इसके ऊपर छलियाँ चेक करें जो हम लोग शहरों में खाते हैं, या ये देखिए इस तरह से लगती है, इसका चारा बन जाता है। और ये छलियाँ वगैरह जो होती हैं इसकी, आजकल तो वैसे अक्सर लोग वो करते हैं इतना, आजकल तो वैसे ही लोग मतलब के इसी का चारा बना देते हैं। साइलेज वगैरह भी बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो मतलब कि काफ़ी मेहनत लगती है इसके ऊपर। तो ये देखें, ये हमने ये घर के मतलब कि आम पे जो हमारे घर की तरफ जाती है ना सड़क, तो ये लगाई हुई है खूबसूरती के लिए। ये पौधे वगैरह माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा व्यू देते हैं। अभी ये ना, अभी ये गन्ने का सीज़न आएगा, ये वाला यहाँ से काट के, और ये मतलब कि इसको ये सारी जगह यहाँ से जिस तरह ये है इसको भी साफ़ करके, ये घास वगैरह इसके साथ भी मिट्टी लगा के ना, वी आई पी साथ में छोटे छोटे गुलाब के पौधे हों, मतलब कि पता चले यार किसी का दे रहा है। तो ये देखें इसके ऊपर तो फल लगा हुआ है, मेरे छोटे भांजे आते हैं, नहीं तो सभी पे लगा होना था, वो इसको तोड़ के ले गए हैं उधर ना, तो नहीं तो इन सब पे भी लगा होना था। तो बस अभी वैसे सर्दियाँ आ रही हैं, तो वो ऊपर से वो शबनम वगैरह गिरती है ना, तो इसलिए बस वो फिर आजकल ना थोड़े डैमेज से हो जाते हैं। तो चलिए आप जी, आपको एक और चीज़ दिखाते हैं न्यू लेके आए हैं। पहले तो ये प्लांटर का मतलब कि आपको रिव्यू वगैरह करवाया होगा, नहीं करवाया तो इस चैनल के ऊपर आई थिंक मैंने नहीं करवाया, आपको एक और वीडियो में इंशाल्लाह इसका भी रिव्यू करवा देंगे। तो ये ड्रिल मशीन लेके आए हैं, तकरीबन 5 लाख में यहाँ से एक्सपोर्ट हुई है। तो ये माशाल्लाह चेक करें, ये इसको ढांपा हुआ है अभी, इसका मज़ीद गन्ना वगैरह हमने लगानी है, तो इसका मैं आपको मज़ीद व्यू इसका करवाऊँगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है किसानों के लिए। पहले तो हाथ से ही गिराते थे ना बीज वगैरह और खाद, वो कहीं पे ज़्यादा गिर जाता था कहीं पे कम, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट मतलब के बराबर करके गिराते हैं, तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी चीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, हमारा तो काफ़ी फ़ायदा हो गया इसमें। तो आई होप सो कि यार आप लोग वीडियो पसंद कर रहे होंगे, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया करें। तो ये देखें, ये कपास है, इस पर काम वगैरह भी हो रहा है, इस पर मतलब कि जो कपास नहीं है आप लोग रज़ाई वगैरह या कंबल वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, ये वही चीज़ होती है। तो ये जो आपको नज़र आ रही है, ये इसके अंदर साइलेज है तकरीबन 5-6 एकड़ का, ये कमों पे यहाँ पे 7-8 लाख रुपया है समझे इसके ऊपर लगा हुआ है, जो सेल करेंगे हम या फिर अपना ही कोई भैंसे वगैरह, अभी तो कम है इनसे तो खाया ही नहीं जाएगा। तो ये इसको चेक करें, पंगे ले रही है मुझसे, इसकी खैर नहीं है, पता नहीं वीडियो बन रही है इसीलिए, अब नहीं लेगी, अब इसको मैंने समझा दिया है, अब पंगे नहीं लेगी ये देखे, नहीं तो नए बंदे को तो ये छोड़ती नहीं है, और आज पता नहीं मुझे क्यों कर रही है, नहीं तो पहले नहीं करती ऐसे, अभी मैंने इसको समझा दिया है तो अब ये नहीं करेगी हरकतें। तो ये देखे इसको भी काट रहे हैं, इसका जो होता है कि मतलब पास वगैरह यहाँ से काट लेते हैं, ये जो बचता है इसका बालन वगैरह बना लेते हैं, ये बकरियाँ वगैरह खा लेती हैं, गोट्स जिसे कहते हो आप लोग। तो इन आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो ये आप चेक करें, यहाँ पे वहाँ पे अमरूद का बाग लगा हुआ है, आगे सारा ये मिठे वगैरह का बाग लगा हुआ है, इधर अमरूद फिर से लग रहे हैं थोड़े बहुत, ये आप चेक करें, ये देखें
ये देखें, ये सफेदे का पौधा है। तो ये तालाब बनाया हुआ है मछलियों का, फिश फार्म। ये डॉक्स रखी हुई हैं। ये देखें, इसके अंदर मछलियाँ होती हैं। अभी इसका भी व्लॉग बनाएंगे अगर मछलियाँ पकड़ते हुए ना, तो इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो आपको दिखाएंगे। तो गाइस मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद की होगी। इसको लाइक सब्सक्राइब कर देना एंड साथ में जो बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।